राखी सावंत को बताया खली ने ड्रामा क्वीन। लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक दरगाह पर झंडे की रस्म को अदा करने पहुंचे महाबली खली। खली ने ज्ञानात्री को पंचकूला में हुई एक रेसलिंग फाइट के दौरान चोटिल हुई राखी सावंत को महाखली ने बताया ड्रामा क्वीन। कहा ड्रामा करने के लिए जानी जाती है राखी सावंत, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें राखी सावंत कौन कहेगा। कहा रेसलिंग में जे आम तौर पर लगने वाली आम चोटें हैं। एक जो पिछले दिनों में राखी सावंत के साथ आपकी रेसलिंग में हुआ था हादसा, उसके बारे में असलियत में क्या था? बिल्कुल, हम जो पिछले 11 तारीख को जो रेसलिंग हुई थी पंचकुला CWE की जो बिग फाइट हुई थी, और बस वहां पर उनके आपस में कुछ बातचीत हुई रिंग में, तो उसको ऊपर से पटक के मारा कि बाकी तो हमने तो वही देखा कि भी क्या हुआ, लेकिन हमने जो सबने देखा वही हमने देखा कि उसको पटक के मारा, उसको चोट लगी थी और अब सब ठीक है। क्या इतनी चोट थी जितना राखी सावंत ने रौला पाया हुआ है? आप समझ सकते हैं ना, राखी सावंत मतलब तभी तो राखी सावंत चोट बाकी सब तो ये बता सकती है, लेकिन हमारे लिए तो ऐसी हर रोज चोटें लगती है, और हो सकती है उसको थोड़ी ज्यादा लगी होनी क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है, और कुछ तो जैसे बोलते हैं कि ड्रामा क्वीन है, तो आप समझ सकते हैं उससे। नहीं, आप भी उनका हॉस्पिटल में पता लेने गए हैं, डॉक्टर भी बताते होंगे कि उनको कितना था और कितना लोअर बैक में चोट लगी है, लेकिन अभी चीज ओके है, मतलब कोई ज्यादा सीरियस नहीं है, और मसल पे पेन थी, अब ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा था उसमें राखी सावंत? अब वो तो राखी से पूछ सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट था या क्या था, लेकिन मतलब जो आपने देखा कि ऊपर से उसको गौरी ने उसको ऊपर से पटक के मारा है, वो सबने देखा है। अब अंदर तो कोई गुस्सा नहीं, कोई ना मैं डॉक्टर ना आप डॉक्टर है कि भाई उसको क्या कितनी चोट लगी है, जो चीज हमारे सामने आएंगी आपके सामने आएंगे, हम तो उसी चीज का बयान कर सकते हैं। ठीक है जी।